व्हाट्सअप गाइज, आनंद इज हियर, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइज, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ। आप अपना रिकॉइल कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपकी सेंसिटिविटी क्या रखनी चाहिए, गायरोस्कोप कैसे यूज़ करना है, फिंगर क्लॉ कैसे यूज करना है, गाइज सब बताने वाला हूँ आराम से। तो बैठिए एकदम से आराम से, अब हेडफोन वेडफोन लगा के, क्योंकि ठीक से सुनने चाहिए सब बात है। तो यहाँ पे मैंने ना पहले बता देता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है। बेसिकली सेटिंग्स जो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, मेरा बटन का लेआउट जो देख रहे हो, मैं वो आपको पहले बताता हूँ। थोड़ा दूर चलते हैं, यहाँ पे बहुत नॉइज़ हो रहा है। तो पहला बटन की सेटिंग्स क्या रखनी है, मैं पहले बता देता हूँ कि बटन की सेटिंग्स रखनी है आपको इस तरह से, जैसे कंट्रोल में जाता हूँ मैं पहले। आपको बटन की सेटिंग्स क्या रखनी है, आपका जो एग्जिट का है, कार एग्जिट का आपको दूर रखना है, ये जो कार एग्जिट का है वो दूर रखना है आपके जो सेटिंग्स है उसमें से। ये दिक्कत बहुत लोगों की रहती है, चलते चलते गाड़ी से उतर जाते हैं, उसके लिए बस ये कैजुअली बता रहा हूँ। आपको एटलीस्ट थ्री फिंगर यूज करना है, थ्री फिंगर। आप थ्री फिंगर ऐसे यूज कर सकते हो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनका जो नेम टैग, प्लेयर का नेम टैग है, वो बीच बीच में आता है, तो आप नीचे ये जो है नीचे उठा के रख सकते हो आराम से बैक के ऊपर, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हो, लाइक मैंने आप ट्रांसपेरेंसी उसकी हटाई दी है पूरी तरह से, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो और उसको वहाँ पे रख दीजिए आराम से और सेव कर दीजिए। यहाँ पे सेव होते ही आप एग्जिट, आपको अब बाकी क्या करना है, बेसिक में जाना है। आपको क्या करना है, आपको एम असिस्ट तो आपका इनेबल ही होगा। आपको करना क्या है, आपका पीक एंड फायर इनेबल है, साथ में पीक एंड ओपन स्कोप भी इनेबल कर दो। ये सबसे अच्छा है क्योंकि क्विक स्कोप के लिए सबसे अच्छा ही आपको इजीली जाएगा। लीन मोड है वो मिक्स कर दो, स्कोप मोड है मिक्स कर दो, बस ख़त्म। और गायरो ऑन कर दो। गायरो का मैं सेंसिटिविटी बता दूंगा जिससे आप नॉर्मल से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो कुछ बंदे गायरो सुनते ही यार पागल होने लगते कि यार कितना मुश्किल होगा, मोबाइल हिलते ही पूरी स्क्रीन हिल जाती है। मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कंट्रोल करना है। अब देखो, अब मैंने गायरो ऑन करके रखा है, मैंने 6x लगाया है, 6x को मैंने 3x में कन्वर्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं पिक लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आराम से रिकॉइल कंट्रोल कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। देख सकते हो मेरा एक ही पॉइंट पे लग रहा है आराम से। यहाँ पे आसपास कोई बंदा है क्या, चलो बंदे पे दिखाते हैं हम। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे बंदा हिल रहा है मैं उसके साथ में मूवमेंट कर सकता हूँ। पूरी की पूरी उस पर गोली लग रही है, हम गाड़ी को भी शूट करके बता दूंगा कि कैसे करना है। यहाँ पे मैं आराम से, यहाँ पे मैं गायरो यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे मेरी स्क्रीन हिला रहा हूँ, मेरा मोबाइल हिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कहाँ भी बटन टच नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे देखो, अब मैं स्कूटर, वह मैंने स्कूटर फोड़ दिया आराम से एक ही स्प्रे में। तो इस तरह से आप आराम से यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको सेंसिटिविटी सेटिंग आपके हिसाब से रखनी है, बट बेसिक्स को आपको स्टार्टिंग करना है। तो कुछ लोगों को मतलब सेंसिटिविटी हाई हो जाती है, कुछ हो सकता है, तो आप डायरेक्टली मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर लो। ये बेसिक है जिससे आप आपका गेम कंट्रोल कर सकते हो ईजीली। आप कोई भी स्कोप लगाओ, लाइक 4x लगाओ, आप ईजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं पहले आपको मेरी सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ, सारी की सारी यूज़ करनी है आपको। मैंने जैसे बेसिक सेटिंग बता दी कि आपको क्या करना है, पिक एंड फायर ऑन, पिक एंड स्कोप, पिक एंड ओपन स्कोप ऑन। आपको करना है लीन मोड है मिक्स, स्कोप मोड है मिक्स, गायरोस्कोप ऑलवेज ऑन। बाकी तो नॉर्मल है, आपको जो सेटिंग रखनी है आप रख सकते हो। फिर आपको कंट्रोल है, ये मेरा 4 फिंगर क्लॉ है, बट आप 3 फिंगर क्लॉ रख सकते हो। बस आपको जो आपका फायर बटन है वो लेफ्ट में रखना है या राइट में, आपकी मर्जी, बट आपके हिसाब से रखना। ये रहा ये क्लॉ का सेटअप। और उसके बाद आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आप मेरे देख सकते हो, मेरी कस्टमाइज है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है 3rd person 100। आप ये पॉज, वीडियो को पॉज करके भी कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पेपर पे नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे 3rd person कैमरा 100 है, कैमरा 100, 1st person कैमरा 70। ये आता है कैमरे की सेंसिटिविटी, 188 रेड डॉट 50, 2x 30, 22 3x, 14 4x, 12 6x, 10 8x। तो यहाँ पे आप उसके बाद ADS की सेंसिटिविटी,
देख सकते हो थर्ड पर्सन 100 है, फर्स्ट पर्सन 88 है, रेड डॉट 50 है, 2x 30 है, 3x 22, 4x 20, 6x 14, 8x 8। और यहाँ पे मेन आती है गायरो की। तो गायरो की आप जैसे कि जैसे मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर सकते हो आराम से। यहाँ पे थर्ड पर्सन 100 है, फर्स्ट पर्सन 55 है, रेड डॉट 90 है, 2x 75 है, 3x 62 है, 4x 50% है और 6x 42 एंड 8x 35। इससे क्या आप DMR भी यूज़ करो या सॉरी बोल्ट एक्शन भी यूज़ करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ये यूज़ कर सकते हो। भी यहाँ पे हमारा भाई कुछ तो अतरंगी चीज़ें करने वाला है कि उसको कुछ नहीं करना चाहिए। हम जहाँ पे गाड़ी पे जाके रुकते हैं, देखते हैं भाई का क्या चल रहा है। चलो भाई गाड़ी उड़ाएगा अब हमारे, हवा में उड़ने के लिए तैयार है। तो हम हवा में उड़ रहे हैं इस तरह से। तो आपका बता दूं क्लॉक की सेटिंग्स क्यों करनी है आपको, मतलब आपकी मूवमेंट है ना वो फास्ट हो जाती है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई चलते चलते बंदे कूदते कैसे, फायर कैसे करते हैं कूदते कूदते, तो ये चीज़ें इसके लिए लगती है क्योंकि आप कभी कभार आपका एनिमी आपके पीछे है या आप ऊपर से कूदते कूदते फायर कर रहे हो, तो आपको कूदते कूदते फायर करना है। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप एक एटलीस्ट 3 finger claw यूज़ करते हो, तो आप आराम से आपका रिकॉयल बिकॉयल सब कंट्रोल कर सकते हो। आपको बस गायरोस्कोप ऑन करना है और बाकी की सेटिंग्स जो मैंने बताई वो रखनी है। इससे आप आराम से आपका गेम भी खेल सकते हो, आपका रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हो। और आपको पुश करना है तो उसके बारे में मैं आगे रैंक पुश की वीडियो डाल दूंगा, कैसे आपको स्लोली स्लोली रैंक पुश करना है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। कुछ नहीं, बस सिंपल सी चीज़ है, बस आपको कुछ नॉर्मल से रूल्स फॉलो करने हैं, आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। तो गाइज आपको इस वीडियो में कुछ अगर चेंजेस करने हैं, मतलब कुछ सजेशन देने हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसे लगी वो भी बताना, आपको कितना यूज़ हुआ, सेंसिटिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट में डालो, मैं आपको न्यू सेंसिटिविटी अपडेट करके दे दूंगा आपके हिसाब से। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि स्कोप बहुत हिल रहा हो, जैसे कि अब यहाँ पे शूट कर रहा हूँ स्कोप ऊपर जाता है, यहाँ पे मैंने टच नहीं किया इसलिए स्कोप ऊपर जा रहा है, या आपको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको करना क्या है, आपकी सेंसिटिविटी जो है, मेरी जो सेंसिटिविटी आपने कॉपी की है उसको बस 10 से नीचे लेके जाना है, बाकी कोई नहीं। जो जो जिस स्कोप को आप प्रॉब्लम आ रही है उसी स्कोप को नीचे ले जाना है, दूसरे कोई स्कोप को नीचे नहीं ले जाना, बाकी आप गुड टू गो है। फिर एकदम आराम से आप सेंसिटिविटी कॉपी कर रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप आराम से रैंक पुश कर सकते हो, बी लाइक अ प्रो गाइज। अब लगता है बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि यार गायरो मतलब दिक्कत है, प्रो वाले बंदे हम नहीं, हमारा मोबाइल ख़राब है ऐसे तैसे। गाइज मोबाइल का कुछ नहीं डिपेंडेंट है, आप आराम से गायरो यूज़ करो, एक 3 finger claw नहीं तो 4 finger claw कोई भी यूज़ करो, और जो मैंने सेटिंग्स बताई बेसिक वाले वो यूज़ करो। आपको वीडियो सो लाइक दिस गाइज, आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना मत, और नीचे कमेंट में सजेशन देते रहना। थैंक यू।